हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम बायोलॉजी में जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 7 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यह हमारा इस टॉपिक का लास्ट भाग है। आज के वीडियो में मुख्यतः हम वायरस से संबंधित टॉप 14+ MCQ को कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, विषाणु शब्द का अर्थ क्या है? विषाणु शब्द का अर्थ होता है विष। विषाणु को वेनम या पॉइजनस फ्लूड भी कहते हैं। विषाणु को विष या पॉइजनस फ्लूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानुवस्की ने। विषाणु की खोज इवानुवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट, इवानुवस्की ने विषाणु की खोज कहाँ से की थी? इवानुवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग से विषाणु की खोज की थी। तंबाकू में मोजेक रोग का कारण विषाणु है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने विषाणु को संक्रामक जीवित तरल कहा था? बिजेरिनेक ने विषाणु को कंटेजियम वाइवम फ्लूडम या संक्रामक जीवित तरल कहा था। नेक्स्ट, किसने कहा था कि विषाणु को रबीदार बनाया जा सकता है? स्टेनली ने स्टेनली ने बताया था कि विषाणु को कई सालों तक एक क्रिस्टल के रूप में बनाकर रखा जा सकता है, और यदि हम इसे कई वर्षों बाद जीवित कोशिका में डालते हैं तो यह फिर से जीवित हो जाते हैं। स्टेनली की इस खोज के कारण इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, वायरोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? वायरोलॉजी का जनक स्टेनली को कहा जाता है। स्टेनली ने बताया था कि विषाणु को क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, एक अकेले विषाणु को क्या कहा जाता है? विरेओन। एक सिंगल वायरस सेल को विरियोन कहा जाता है। नेक्स्ट, विषाणु किस प्रकार के जीव हैं? विषाणु में कोशिका झिल्ली और जीवद्रव अनुपस्थित होता है। विषाणु में कोशिका झिल्ली और जीवद्रव नहीं पाया जाता। इसमें केवल संश्लेषित प्रोटीन होता है और इस कारण इसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। विषाणु एक अकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट, वायरस किसके बीच एक संयोजक कड़ी है? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी है। वायरस को हम सिर्फ सजीव कहेंगे तो ये गलत कथन हो जाएगा। वायरस सजीव और निर्जीव दोनों की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, विषाणु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह सजीव है, यह कथन असत्य है। हम विषाणु को केवल सजीव नहीं कह सकते क्योंकि विषाणु एक निर्जीव की भांति भी कार्य करता है। विषाणु निर्जीव है यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि विषाणु में संश्लेषित प्रोटीन होता है और यह अपना गुणन करता है। जैसे जीव अपना गुणन करते हैं, इसी प्रकार से विषाणु भी गुणन करता है। यह अकोशिकीय है। यह कथन विषाणु के बारे में सत्य है। नेक्स्ट, किस कारण से हम वायरस को सजीव कहते हैं? वायरस को सजीव कहने के क्या कारण हैं? यह सजीव की भांति गुणन करते हैं, यह परजीवी होते हैं, यह सजीवों की भांति उत्परिवर्तन करते हैं, और इसमें सजीवों की भांति अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें DNA और RNA होता है। इस कारण हम वायरस को सजीव कहते हैं। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कारण के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायरस का निर्जीव लक्षण है? किसी वायरस को निर्जीव कहने के क्या क्या कारण हैं? वायरस को एक क्रिस्टल की भांति रखा जा सकता है। इसे क्रिस्टल के रूप में कई सौ वर्षों तक रखा जा सकता है। इसमें कोशिका संरचना और कोशिका द्रव नहीं पाया जाता। जब हम किसी वायरस को जीवित कोशिका के बाहर निकालते हैं तो यह मृत शरीर की भांति या क्रिस्टल की भांति कार्य करता है, और जब इस क्रिस्टल को जीवित कोशिका में डालते हैं तो यह एक सजीव की भांति कार्य करता है। विषाणु में श्वसन और उपापचयी प्रक्रियाएं नहीं होती। इन सभी कारणों से
विषाणु को निर्जीव कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतःकोश के अविकल्पी परजीवी है? विषाणु एक अंतःकोश के अविकल्पी परजीवी है। अंतःकोश के मतलब है कि विषाणु एक कोशिका के अंदर ही जीवित रह सकता है, इसके बाहर यह निर्जीव की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट, विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? या तो आरएनए होगा या डीएनए। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए या डीएनए होता है, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। यह विषाणु का स्ट्रक्चर, और ज़्यादातर विषाणु में आरएनए होता है, ज़्यादातर विषाणु में क्या होता है? आरएनए। नेक्स्ट, विषाणु के प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? विषाणु के प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है। ये जैसे विषाणु का आरएनए और इसको कवर करने वाले प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है। सबसे अंदर न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड में विषाणु के आरएनए और डीएनए होते हैं। इस न्यूक्लियस को कवर करने वाले प्रोटीन लेयर को कैप्सिड कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल जो विषाणु में पाया जाता है क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लिक अम्ल जो विषाणु में पाया जाता है वह न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियोइड विषाणु का संक्रमक भाग कहलाता है। नेक्स्ट, विषाणु का टेप्लोमर या स्पाइक किससे बना होता है? यह विषाणु के बाहर उभरी हुई संरचना को स्पाइक कहा जाता है, और स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। स्पाइक किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। और स्पाइक किसी विषाणु को कोशिका से चिपकने में सहायता करता है। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से विषाणु क्या होते हैं? रासायनिक रूप से विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, और न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बना होता है? आरएनए और डीएनए से। नेक्स्ट, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? विषाणु का। विषाणु का आकार जीवाणु से भी छोटा होता है, और विषाणु से भी छोटे क्या होते हैं? वायरोइड। विषाणु से भी छोटे वायरोइड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किससे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारी कोशिका इंटरफेरोन नामक प्रोटीन उत्पन्न करती है? जब हमारी शरीर पर विषाणु आक्रमण करता है तो यह इंटरफेरोन नामक प्रोटीन उत्सर्जित करती हैं। इससे दूसरे कोशिकाओं को खबर पहुंच जाती है कि विषाणु आक्रमण कर रहा है। नेक्स्ट है, जीवों और उसको संक्रमित करने वाले विषाणु के संबंध में गलत मिलान चुनें। जो विषाणु नीली हरित शैवाल को संक्रमित करता है उसे साइनोफेज कहा जाता है। जो विषाणु शैवाल को संक्रमित करता है उसे फाइकोफेज कहा जाता है। जो कवक को संक्रमित करता है उसे माइकोफेज कहा जाता है, और जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो राइट आंसर होगा डी। डी एक गलत कथन है। विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। नेक्स्ट, जाइमोफेज किसको संक्रमित करता है? जाइमोफेज खमीर को संक्रमित करता है। खमीर को संक्रमित करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? जाइमोफेज। शैवाल को संक्रमित करने वाले विषाणु को फाइकोफेज कहते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु है, और बैक्टीरियोफेज विषाणु बैक्टीरिया या जीवाणु को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। यह बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? बैक्टीरियोफेज की खोज डुबार्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, और बैक्टीरियोफेज का नामकरण डी हेरले ने किया था। खोज डुबार्ट ने और नामकरण डी हेरले ने किया था। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम पाया जाता है, और इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। नेक्स्ट, किस चीज़ में उपस्थित रहने से गंगा नदी का पानी नहीं सड़ता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा नदी का पानी नहीं सड़ता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के कारण पानी में जीवाणु या बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते। नेक्स्ट, विषाणु पौधे के किस भाग को छोड़कर संपूर्ण पौधे को संक्रमित कर देते हैं?
तने का शीर्ष को छोड़कर, तने का जो शीर्ष होता है उसको छोड़कर विषाणु संपूर्ण पौधे को संक्रमित कर देते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पांच जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं है? पांच जगत वर्गीकरण में विषाणु, प्रियोन और वायरोज, इन तीनों को स्थान प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अकोशिकीय जीव है? प्रियोन, वायरस और वायरोज, यह तीनों अकोशिकीय जीव हैं और इन्हें पांच जगत वर्गीकरण में स्थान प्राप्त नहीं है। प्रियोन और वायरस वायरोइड के रक्षण वायरस के समान होते हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है। नेक्स्ट, वायरोइड की खोज किसने की थी? वायरोइड की खोज डाइनर ने की थी। वायरोइड में ये वायरस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग किसके कारण होता है? वायरोइड के कारण। नेक्स्ट, प्रियोन या प्रोनसक की खोज किसने की थी? प्रुवन ने। प्रियोन या प्रोनसक की खोज प्रुवन ने की थी। प्रुवन में केवल संक्रमित प्रोटीन होता है। प्रुवन में क्या होता है? केवल संक्रमित प्रोटीन। इसमें इस प्रोटीन के चारों ओर कोई परत नहीं होती, यह संक्रमित प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रियोन को स्लो वायरस भी कहा जाता है। प्रियोन में क्या उपस्थित होता है? प्रियोन में केवल संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रियोन में क्या उपस्थित होता है? केवल संक्रामक प्रोटीन। इसमें आरएनए और डीएनए नहीं होता है। नेक्स्ट, मवेशियों में मेटकाउ रोग और मनुष्यों में सी आर जेकब रोग किसके द्वारा होता है? प्रियोन के कारण, और प्रियोन को स्लो वायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग मानव में विषाणु जनित रोग नहीं है? हैजा विषाणु के कारण नहीं होता है, जबकि चेचक, पोलियो और रेबीज, यह तीनों रोग विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट, विषाणु जनित मानव रोग, विषाणु से अनेक रोग होते हैं, यह सभी विषाणु से मानव जनित रोग हैं, जैसे हेपेटाइटिस, वर्ड फ्लू, एड्स, पीत ज्वर, स्वाइन फ्लू, चेचक, पोलियो, रेबीज, छोटी माता, सार्क, हर्पीज, चिकनगुनिया, गलसुआ, खसरा, एंसीफेलाइटिस, डेंगू बुखार, मार्स, सार्स और मेनिनजाइटिस, यह सभी रोग विषाणु से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादपों में विषाणु जनित रोग है? सॉरी, विषाणु जनित रोग नहीं है। धान का लाल रस्त रोग विषाणु से नहीं होता है, जबकि आलू का मोजेक रोग, खीरा का मोजेक रोग और पपीता का मोजेक रोग विषाणु से उत्पन्न होते हैं। विषाणु द्वारा पादक जनित रोग, विषाणु या वायरस से आलू, खीरा, तंबाकू, गन्ने और पपीता में मोजेक रोग होता है। इन सभी में विषाणु से मोजेक रोग होता है। नेक्स्ट, एच का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एच किस विषाणु से के कारण होता है? एच एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसके अलावा मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी, अरबो वायरस से डेंगू बुखार और मोरबिली वायरस से खसरा रोग होता है। नेक्स्ट, किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है? रेबीज को। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया में मनुष्य को पानी से डर लगता है, और रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है? H1N1 विषाणु के कारण। स्वाइन फ्लू को सबसे पहले सुअर के द्वारा फैलाया गया था, इस कारण इसे सुअर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, और चेचक वेरिओला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। पोलियो बीमारी से रक्षा करने के लिए पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। पोलियो वैक्सीन दो प्रकार की होती हैं, ओपीवी और आईपीवी। ओपीवी का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन, और आईपीवी का मतलब इंजेक्टेड ओरल वैक्सीन। ओपीवी की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी, जबकि इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन की खोज जोनस साल्क ने की थी। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने।
नेक्स्ट, टूबैक मोजेक जीवाणु टूबैक मोजेक विषाणु की खोज किसने की थी? इवानिवस्की ने, इवानिवस्की ने TMV टूबैको मोजेक वायरस की खोज की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।